गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज है हरिद्वार में हमारा डे टू, तो चलिए अभी दिन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है, तो थोड़ा भी स्किप ना करें। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव, तो पूरा व्लॉग देखें। और आज हम दिखाएंगे राम झूला और लक्ष्मण झूला। तो अभी हम निकल चुके हैं, ये है पूरा रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। ये है हरिद्वार हल्की पौड़ी से जो रास्ता जा रहा है। अभी हम यहाँ से जाएंगे भीमगोड़ा तक। यहाँ एक भीमगोड़ा प्लेस है, अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो आपको ऋषिकेश की गाड़ी और नीलकंठ महादेव की गाड़ी चारधाम यात्रा की तो वहीं से ही मिलती है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये गंगा मैया, ये पूरी मार्केट है जिसका व्लॉग हम अपलोड करने वाले हैं। हाय गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट, आप देख सकते हैं ये काफी सुंदर सा है। और ये मेरे पापा बोल रहे हैं मेरा भी निकालो व्लॉग। हाय बोल रहे, हाय गाइस, हाय। हाँ ये छोटा पप्पी भी आया है। क्या हुआ बाबू, तेरे भी कर्म अच्छे अच्छे हो गए। इसको थोड़ी देर खिलाएंगे। तो गाइज़, अभी हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, तो ये बहुत प्यारी सी मूर्ति थी ऋषिकेश में। और ये है त्रिवेणी घाट, जहाँ तीन नदियाँ मिक्स होती हैं, इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। और अभी हमने कर ली है पूजा। तो गाइज़, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी था। तो अभी मैं नहा भी लेती हूँ, इतना ज़्यादा गहरा पानी था मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। मतलब ऐसे चलते ही जा रहे थे हम तो बिना पकड़े हुए, ये देखो इस तरीके से मैं तो चलती ही जा रही थी। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा, बर्फ़ जैसा पानी था। तो गाइज़, ये सारा मार्केट लगा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है, हरिद्वार में पूजा की सामग्री बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो यहाँ मालाएं वगैरह बहुत सारी मिल रही थी। ये है प्रॉपर ऋषिकेश, जैसे आप घाट से बाहर निकलोगे वहाँ आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे अच्छे से नज़ारे थे यहाँ के। ये देखिए आप, ये बहुत अच्छा सा रथ था। तो बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है ऋषिकेश, आप बिल्कुल आएं। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो ऋषिकेश बिल्कुल आना ना भूलें। ऋषिकेश का पानी बहुत ज़्यादा साफ था, बहुत ज़्यादा नदी साफ थी। ये है गंगा माँ, ये गंगा मैया। और ये है मार्केट, अब हम आपको मार्केट दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये ड्रीम कैचर्स बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, तो यहाँ के ड्रीम कैचर्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हर टाइप के थे, हर साइज़ के ड्रीम कैचर्स थे, बहुत ब्यूटीफुल से थे। तो गाइस, आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ। ये पूरी मार्केट है, और ऋषिकेश की मार्केट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी और फैंसी चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें थी, लाइक शोरूम में जैसी हम ड्रेसेस वगैरह परचेस करते हैं उस टाइप की सारी ड्रेसेस थी, और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी यहाँ। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो आप ऋषिकेश ज़रूर आइएगा। आपको चाहे तो आप पर्सनल गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं, अगर पर्सनल गाड़ी नहीं करवाना चाहते तो आपको आराम से यहाँ के लिए टैक्सी वगैरह ऑटो वगैरह भी मिल जाता है। तो गाइज, अभी हमने नहा लिया था ऋषिकेश में, और अभी हम आ चुके हैं राम झूला, तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ। और अभी हम खा रहे हैं नूडल्स, नूडल्स खा के फिर आपको दिखाते हैं राम झूला। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं राम झूला लक्ष्मण झूला। जैसे कि आपको पता है, ऋषिकेश हम होकर आए हैं, और अभी ये भी ऋषिकेश में ही है। तो वो था त्रिवेणी घाट, और ये प्रॉपर घाट है, तो सामने वाले साइड आरती वगैरह होती है। तो अभी हम जाएंगे झूले पर, लक्ष्मण झूला, राम झूला। तो यहाँ पे आई थिंक लक्ष्मण झूला बंद कर दिया गया है, कुछ इंसिडेंट्स हुआ था
आई थिंक बहुत सारी भीड़ की वजह से झूला कमज़ोर हो चुका है, तो लक्ष्मण झूला बंद कर दिया गया है। तो अभी हम बोट में जा रहे हैं, आते टाइम हम राम झूला से आएंगे, तो वो व्यू भी आप देख लीजिएगा। और ये प्रॉपर घाट, बहुत सुंदर जगह है गाइस, ज़रूर आइएगा एक बार। गाइस अभी हम खड़े हैं राम झूला के तट पर, और जो बैक साइड है आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो वो है राम झूला, वो हम पास से जाके आपको अभी दिखाएंगे। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, यहाँ बोटिंग वगैरह की भी सुविधा हो चुकी है, और जो वो सामने वाला साइड है वहाँ है तट प्रॉपर। तो गाइज अभी हम जाएंगे प्रॉपर सामने जो तट है वहाँ जाएंगे, तट को कहा जाता है घाट, तो अभी हम घाट के वो साइड जाने वाले हैं, फिर आते टाइम हम आएंगे झूले से। तो अभी हम बोट में बैठ चुके हैं क्योंकि सबको बोट में भी घूमना था और हमें लेट भी हो रहा था, अभी हमें नीलकंठ महादेव जाना है, तो उसकी वजह से अभी हमने फटाफट से बोट कर ली है, और सब लोगों को बोट में घूमना भी था, तो अभी हम बोट में जा रहे हैं। फिर आते टाइम हम झूला से आएंगे राम झूला से, तो वो भी हम आपको व्यू दिखाएंगे। और ये देखिए आप पूरी माता गंगा। तो गाइस यहाँ तीन माताएं मिक्स होती है कहा जाता है, इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। और गाइस ये देख सकते हैं नज़ारा। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है चोटी वाला रेस्टोरेंट, तो ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट, अगर आप हरिद्वार आते हैं और ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ का खाना मस्ट ट्राई कीजिएगा। और ये चोटी वाला वाले बाबा हैं, इनकी दो रेस्टोरेंट्स थी, तो ये एक दूसरे बाबा हैं, वो पहले वाले बाबा थे चोटी वाला, तो काफ़ी लोग इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, सेल्फीज़ ले रहे थे। और अभी हम जल्दी से चलते हैं बिकॉज़ अभी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अभी नीलकंठ धाम भी जाना है हमें। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अभी हम उन वहाँ के लिए निकल चुके हैं। और ये पूरी मार्केट है, यहाँ मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, और अभी हम जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, जो जो अच्छा लग रहा है वो ले भी लेते हैं। किचन्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी अच्छी कैप्स हैं, पर्सेस हैं, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं पूरे मार्केट में। और ये देखिए हमें दिख गए हैं मैंगो के पेड़। तो गाइज ये पूरे मैंगो के पेड़ हैं, बहुत सारे मैंगोज़ हैं, बहुत सारे मैंगोज़, ये देखिए इतना सारा गार्डन है पूरा। और यहाँ लिखा हुआ है आम चुराने पर 100 रुपया दंड, तो आम ये देखिए मॉम तो भी चुरा रही हैं, सब जने मना कर रहे हैं, पर मॉम को एक भी आम नहीं मिला, मजबूरन हमें बिना आम के जाना पड़ रहा है, एक भी आम नहीं टूटा पेड़ से। तो गाइज अभी हमें नीलकंठ महादेव के लिए निकल चुके हैं, तो ये पूरा रास्ता आप देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त सा रास्ता है, बहुत सारी माउंट एरिया है, तो देखिए ये वही रास्ता है जो बद्रीनाथ के लिए जाता है। आई थिंक हमें लोग कह रहे थे बद्रीनाथ केदारनाथ का रास्ता यही है, बहुत ज़्यादा ऊपर है पहाड़ों पे, पर अगर आप डरते हो तो यहाँ पे थोड़ा संभल कर आए, अगर आपको पहाड़ पसंद है तो ही आए, बिकॉज़ हमको तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो गाइज हमने प्रसाद ले लिया है और अभी हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, तो अभी हमने प्रसाद वगैरह ले लिया, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और जो नीलकंठ महादेव मंदिर है आई थिंक वो 6 बजे तक ओपन रहता है, तो अभी 5 या 5:15 बज चुके हैं, तो हमें जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा, 5:15 भी नहीं, आई थिंक अभी 5:30 जितना हो रहा है, और हमारे पास अभी पहुँचना है जल्दी जल्दी, सिर्फ 15 मिनट ही है, तो अभी हम जल्दी से पहुंच जाएंगे, अंदर का रास्ता भी काफ़ी है। तो गाइस अभी हमारे साथ बने रहें, और ये देखिए पापा और ये मम्मा, तो बहुत अच्छा सा मंदिर है, तो एक बार हम दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी करवा लेते हैं। तो आइए गाइस व्लॉग को थोड़ा भी स्किप ना करें, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करने की ट्राई करती हूँ कि आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। और ये हम मंदिर के इनसाइड आ चुके हैं, और अभी जल्दी से जल्दी हमें मंदिर के अंदर तक भी जाना पड़ेगा क्योंकि अभी बंद होने का भी टाइम हो रहा है,
तो फिर मॉर्निंग में खुलता है मंदिर, तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए, ये है नीलकंठ महादेव जो बहुत ज़्यादा प्राचीन माने जाते हैं। तो गाइस मेरे लिए तो हर महादेव बहुत प्राचीन ही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जिस तरीके से आप भी दर्शन कर पाएँ बहुत अच्छे से। तो ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज है महादेव जी का। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी हम आउटसाइड मंदिर के आ चुके हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा सा नज़ारा है और ये मंदिर की ध्वज के दर्शन कर लीजिए। तो गाइस ये पापा मम्मी हैं और ये हैं जो हमारे रास्ते पे हमारे साथ मंदिर तक आए हैं। तो जिस गाड़ी में हम बैठे थे वो भी हमारे साथ ही आए हुए हैं यहाँ। और अभी ये देख लीजिए अब मंदिर का नज़ारा। तो गाइज अभी पापा को बजानी है घंटियाँ टन टन टन। तो हमेशा अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें बैल बजानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बैल क्यों बजाई जाती है? क्योंकि जैसे हमारे घर पे कोई आता है तो बैल बजाता है, हमें पता चलता है। तो हम भगवान के घर पर भी जब जाके बैल बजाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम आए हैं। इसीलिए हमेशा जिस मंदिर में आप जाते हो वहाँ बैल बजाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे भगवान को पता चले कि हमने उनके घर पे हाजिरी लगाई है और हम आए हुए हैं, इसीलिए बैल बजाई जाती है। तो गाइज ये रही मार्केट पूरी मंदिर वाली, ये नीलकंठ महादेव मंदिर की मार्केट है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो रास्ते में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बच्चों के खिलौने हैं, पीतल तांबे की मूर्तियाँ हैं, लोटे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये आप देख सकते हो बहुत अच्छी जगह है। और ये सारे भगवान की प्रसादी, अगर आप यहाँ प्रसादी लेते हो तो आपको इस तरीके की प्लेट मिलती है पूरी बनी हुई, अलग अलग तरीके की प्लेट्स थी। और प्रसाद में आपको यही लेना पड़ता है, यहाँ पे यही प्रसाद मिलता है। और महादेव जी के दर्शन हो गए, हम तो धन्य धन्य हो गए, पूरे टाइम पर पहुँचे हम और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि सब खुश रहें। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आप क्या मांगते हो भगवान से। तो गाइस अगला व्लॉग देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी काफ़ी सारे व्लॉग्स अच्छे अच्छे आने वाले हैं। और इस व्लॉग के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। तो गाइस हमें लगी थी बहुत सारी भूख, अभी हमने सोचा हम कुछ खा लेते हैं फिर जाएंगे राम झूला पर। तो गाइस ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा राम झूला है, इतना सुंदर सा व्यू सच में मैंने लाइफ में नहीं देखा है, इतने सारे लोग और ये हमारा राम झूला। तो गाइस हमारे इंडिया के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। तो गाइज अभी पापा भी ले रहे हैं सेल्फी, देखिए। और यहाँ तो इतने सारे लोग सेल्फी ले रहे थे, ये देखिए। यहाँ चलने में आपको डर लगेगा गारंटेड, बहुत झूला हिलता है, ये पूरा झूला जो है ये हिल रहा था, तो मेरे को लोग कह रहे थे कि डर लग रहा है। पर गाइज बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, सच में गंगा को स्वर्ग कहा जाता है, ये रियलिटी है कि गंगा सच में स्वर्ग है, ये आप देख सकते हो एकदम। मुझे तो यहाँ मोबाइल पकड़ने में भी डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा झूला हिल रहा था और डर भी लग रहा था, पर बहुत सुंदर सा नज़ारा था, लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर घाट है जहाँ आरती की जाती है, प्रथम प्रमन कुछ ऐसा घाट का नाम है यहाँ प्रॉपर। तो गाइज ये मैं बहुत टायर्ड था, फेज हो चुका था, बहुत टायर्ड फील हो रहा था, बहुत थक चुकी थी, पूरा दिन घूमे हम लोग और बहुत अच्छे से मज़ा भी आया था। ये पूरा घाट आप देख सकते हो और इतने सारे लोग थे, सब बहुत ज़्यादा मज़ा आता, ज़्यादा लोग सेल्फीज वगैरह में मतलब घूम थे, हमेशा रहते ही हैं वो तो। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा लाइटिंग है, सब कुछ है। और ये तो गाइज ये देख सकते हो पूरा मार्केट है और बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी अभी। तो गाइज ये देखिए ये बहुत अच्छे से लोग थे, ये हमारे गाड़ी में थे, हम सब साथ में आए हैं यहाँ तक। तो
गाइज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे, मतलब हमें इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी मार्केट है यहाँ, बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी, ड्रीम कैचर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ये मम्मा, और अभी हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग, ये अमित जी और विशाल के लिए शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हमें थोड़े बहुत कुछ कपड़े वगैरह भी लेने थे। इतना दूर मैं आई थी, एक्चुअली मैं शॉपिंग का मूड नहीं था, बट बाहर चीज़ें अच्छी लगी तो हमने बोला ठीक है अब ले लेते हैं, आए हैं तो इतना दूर। काफ़ी अच्छी सी चीज़ें हैं यहाँ, और बहुत ज़्यादा अभी थक चुके हैं, मेनू नहीं लेना खुद के लिए, मैं बाद में ले लूँगी। और तो गाइज अभी हम कर रहे हैं डिनर, बहुत भूख भी लगी थी तो हमें डिनर करना था, अभी बहुत रात को लेट हो गया है, देख सकते हो आप कोई नहीं था, सिर्फ अभी रेस्टोरेंट में हम बैठे थे। तो अभी हम फिर से फालूदा आइसक्रीम खा लेते हैं। हरिद्वार में खाने पीने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत टेस्टी सा सब मिल रहा था, तो मुझे तो बहुत सारा मज़ा आया। अगर आप भी कभी गए हो हरिद्वार तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। हाय गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं गंगा माँ के तट पर, हमारा डिनर वगैरह हो चुका सब कुछ, तो हमने सोचा कि आज गंगा माँ के दर्शन कर लेते हैं, बिकॉज अब आज हम हल्की पौड़ी पे नहीं आए थे तो अभी आए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, अभी हो रहे हैं 11:26 रात के, तो ये देखिए नज़ारा, तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा है, लोग इतनी नाइट तक भी नहा रहे हैं। तो गाइस ये है रात का नज़ारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये रात को 11:30 भी लोग यहाँ नहा रहे हैं आई थिंक, जो कि गलत है शायद। तो ये देखिए, तो गाइज ये देख सकते हो आप कितना सुंदर सा नज़ारा है, सच में गंगा मैया एक स्वर्ग हैं। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ आते हो तो उसे वाटर पार्क, अज्यूम पार्क या गोवा मत समझिए, प्लीज़ गंगा माता को गंगा माता ही समझिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो वाटर पार्क, अज्यूम पार्क समझ रहे हैं, तो प्लीज़ वो गलती आप मत कीजिएगा, ये गंगा माँ है और हमें अपनी संस्कृति बनाए रखनी चाहिए। तो प्लीज़ 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 आप यहाँ कोई भी गलत काम ना करें। और ये देखिए लोग बहुत ज़्यादा मज़े के मूड में हैं, जो कि होना चाहिए, बट एक एक मतलब गंगा माँ को माँ समझें, ना कि कोई घूमने की प्लेस या पिकनिक प्लेस ना समझें प्लीज़। तो ये हमारे भारत की एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें हर धर्म को, हर एक चीज़ को इज्जत देनी चाहिए, बट आजकल के लोगों के दिमाग से ये बातें निकल चुकी हैं और उन्हें लगता है वो शायद कहीं इंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं। तो गाइस टचवुड, हमें सच में गर्व है कि हम कहीं भी रहें पर हम ये धर्म का काम नहीं छोड़ सकते, और हमें ये धर्म का काम करना ही चाहिए और हम करते रहेंगे। आप किसी का भी पेट भर लो पर जब तक आपने जानवर का पेट नहीं भरा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये बेजुबान कभी मांग नहीं सकते पर हमें इन्हें देना चाहिए। इंसान तो खुद मांग कर खा सकते हैं बट ये बेचारे कभी मांग कर नहीं खा सकते। तो गाइस जितना हो सके आप इंसानों से ज़्यादा बेजुबानों की मदद करें, क्योंकि इन्हें नहीं पता खाने के लिए कमाया जाता है। तो गाइस प्लीज़ 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 आप इनकी मदद करते रहिएगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं होटल में और ये देख रहे हैं फोटो मेरे मम्मी पापा, और हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो हम व्लॉग जो है वो अहमदाबाद में जाकर अपलोड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा इशू है। और गाइज अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो उनको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो आज का ब्लॉग है वो अच्छा था पापा? बहुत बढ़िया, बनाया ही नहीं है। तो गाइज हमारे साथ बने रहे, हम जो एंजॉय करके आए मंदिर में, नहा के आए गंगा नदी में, त्रिवेणी मंदिर में, बहुत अच्छा था। ऋषिकेश गए थे, नीलकंठ महादेव गए थे, आप भी वो ब्लॉग जरूर देखें, बहुत मजा आया, बहुत मजा सब कैसा था।
तो गाइज आप हमारा व्लॉग जरूर देखें और बताएं, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज का व्लॉग इतना ही, कल फिर से एक व्लॉग अपलोड करेंगे, फिर से आप जरूर देखिएगा। तो गाइज व्लॉग कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में अपलोड करेंगे। और आज हमने ये बहुत सारे फोटोज भी खिंचवाए हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो गाइज इस व्लॉग के लिए एक लाइक जरूर। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। बाय बाय गाइज।